छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अचानक अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने थोड़ी समय के लिए छत्तीसगढ़ भवन पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा की। धर्मांतरण के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा भी यह मानती है कि उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने हैं और धर्मांतरण भी सबसे ज़्यादा उनके कार्यकाल में हुआ है, लेकिन चुनाव में कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से वह धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर चुनाव में लड़ रहे हैं। जबकि GST से लेकर नोटबंदी तक के मामलों पर भाजपा के कुछ लोग भी बोलने से इनकार कर देते हैं। जिस मोहल्ले में हिंदू लोग होंगे वहाँ मंदिर बनेगा, जहाँ सिख लोग होंगे गुरुद्वारा बनेगा, या सतनामी लोग होंगे जैत खाम बनेगा, जहाँ मुसलमान होंगे मस्जिद बनेगा। तो यदि चर्च बने हैं इसका मतलब ये है कि वो धर्म परिवर्तन हो, धर्म स्वीकार किए तभी बना। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे बना है, सबसे ज़्यादा बना है, और उस दिन वो बनने दिए, परमिशन दिए, और आज वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही, समझ रही, इनके ये जो चाल है वो नहीं चलेगा। इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। किसान के मुद्दे वो बोल नहीं सकते, महिलाओं के मुद्दा बोल नहीं सकते, आदिवासी के मुद्दे उनके पास है ही नहीं, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं। देखिए धर्मांतरण एक मुद्दा है, वो जब कार्यालय से छुट्टी मिलेगी पार्टी बनेगी।